बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम गुड टू, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है, कोरोना की वजह से हम सबका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए हमारी पेपर स्कीम भी चेंज हो गया है, न्यू पेपर स्कीम है। तो आज हम सबसे पहले अपनी न्यू पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो पर लाजमी बताऊंगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो आप, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें सबसे पहले हम चैप्टर, मैं आपको एमसीक्यूज से स्टार्ट करवाती हूँ। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 8, इन सारे चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज लाजमी होता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक एमसीक्यूज एक मार्क्स का होता है, तो इन सब टोटल मार्क्स हो गए 4। उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं चैप्टर 5, 4, 7 और 6, मतलब 4, 5 और 7, 6, ठीक है। इसमें से भी हमारे पास एक एक एमसीक्यूज आता है, और अब 4 मार्क्स ऊपर और 4 मार्क्स नीचे, मतलब टोटल हो गए 8 मार्क्स। अब जो बाकी 4 एमसीक्यूज बचे हैं वो हमारे पास किसी भी ओल्ड पेपर से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हमारे पास आता है पार्ट 2, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। वो उसका जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, चैप्टर नंबर 1 में से सबसे पहले हमारे पास आते हैं 3 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 से आते हैं 3 क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 3 से आते हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इससे हम लोगों को टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट 2, उसमें से पार्ट 3, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, चैप्टर नंबर 4 में से आते हैं हमारे पास 3 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 5 से आते हैं 2 क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 6 आते हैं 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और 8, इन दोनों में से 4-4 सवाल आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे अपना सेक्शन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, लॉन्ग पार्ट। हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके हर क्वेश्चंस में से आगे 2-2 पार्ट होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है वो हमारे पास यूनिट 1 से होता है, और इसका जो पार्ट बी है वो हमारे पास यूनिट 2 से होता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका यूनिट नंबर 4 से होता है पार्ट, और जो पार्ट बी है उसका क्वेश्चन जो होता है हमारे पास यूनिट 5 से होता है। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास यूनिट, जिसका ए पार्ट है वो हमारे पास यूनिट 7 से होता है, और जिसका बी पार्ट है वो हमारे पास यूनिट 8 से होता है। तो मैंने आपको पेपर स्कीम तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।